देखिए दोस्तों, ये कैट 424B मशीन, आज इसका जो है कंट्रोल वाल्व का सील चेंज करेंगे। लोडर कंट्रोल वाल्व और एक्सकैवेटर कंट्रोल वाल्व, दोनों कंट्रोल वाल्व का सील चेंज करेंगे। ये देखिए इनका कंट्रोल वाल्व कितना लीकेज हो रहा है, तो आज इस लीकेज को बंद करना है। ये एक्सकैवेटर कंट्रोल वाल्व है कैट 424B मशीन का, तो आज इसका सील चेंज करना है। मैं आपको दिखाऊंगा सील कैसा होता है और कैसे चेंज करते हैं और क्या सावधानी रखना है ठीक सील चेंज करते समय। ये देखिए कैट 424B का एक्सकैवेटर कंट्रोल वाल्व है। तो ये जो लंबा लंबा जो दिख रहा है, ये इसका ARB है। और देखिए इसको खोलने के लिए ये प्लेट एक लगाया, ऊपर से प्लेट कवर, इसका जो कवर था कवर को खोल लिए। और उसके बाद देखिए एक प्लेट है, ये प्लेट को खोल लेना है, खोल के बाहर कर लें, जिसकी वजह से मतलब यहाँ गैप जगह बन जाए काम करने के लिए। तो पहले प्लेट को खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार लिंक ही लगा होता है। देखिए स्पूल को खोलने के लिए सबसे पहले उसका जितना भी लॉक पिन है ना, और लॉक पिन को खोल लेते हैं। और ये सब करने से पहले जो है इसका प्रेशर को रिलीज कर देते हैं। प्रेशर को कैसे रिलीज करते हैं, जितना भी लीवर है ना मशीन बंद करने में, मतलब ये सभी लीवर को पूरा जोर से ऐसे फंक्शन कर देना है, ऐसे 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 हर तरफ से हिला करके फंक्शन ये करके मशीन बंद पोजीशन में, जिससे कि इसके ऊपर जितना भी ये लोड होगा बूम में, बकेट में, स्टिक में, स्टेबलाइजर में ठीक, वो लोड फ्री हो जाए। क्योंकि जब अपने स्पूल को बाहर करेंगे तो ऑयल ज़्यादा नीचे की ओर नहीं गिरे, तो इसके लिए इसको लोड फ्री कर देते हैं। यानी तो लोड पे रहने से कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट होने का संभावना बढ़ जाता है, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए पहले इसको लोड फ्री कर देंगे। देखिए दोस्तों स्पूल को खोलने के लिए ये जो है ना, पहले ऊपर में एलेंकी बोल्ट लगा होता है, एक एक करके सभी एलेंकी बोल्ट खोल के, और देखिए ये कवर है उसको बाहर कर लेंगे। एलेंकी लगा हुआ है यहाँ पे, 3x16 का एलेंकी लगा होता है एलेंकी बोल्ट, तो 6 स्पूल लगाए, 6 स्पूल के लिए 6x12 ऊपर में 12 और नीचे में 12x24 एलेंकी बोल्ट लगा होता है ठीक। और सभी एलेंकी बोल्ट 3x60 का है, इसको खोलने के लिए जब भी आपको आप आएंगे तो 3x16 का, 3/16 का एलेंकी आपके पास होना जरूरी है। ये देखिए ये एलेंकी बोल्ट है। देखिए दोस्तों ये नीचे से कंट्रोल वाल्व ऐसा दिखने में लगता है, और हमको ये कवर खोलना है, ये जो है ना ये कवर सब खोलना है, इसके अंदर स्प्रिंग वगैरह है। तो देखिए अपने कैसे खोलते हैं, जो कि स्पूल में कनेक्ट फिटेड होता है स्प्रिंग, तो स्पूल को बाहर करने के लिए कवर को खोलना जरूरी है। यहाँ पे अंदर में भी देखिए एलेंकी बोल्ट लगा है ठीक, ये भी 3/16 का एलेंकी है। और ये जो दिख रहा है ना, इसको ARB बोलते हैं, सब अलग अलग ये में, जैसे बूम के लिए अलग ARB है, बकेट के लिए अलग ARB है। यहाँ से वो बूम बकेट स्टिक का प्रेशर को सेटिंग किया जाता है। देखिए दोस्तों इसका स्पूल का कवर 6x6 अपने खोल दिए ठीक है, खोलने के बाद देखिए कैसा दिखता है। और अभी क्या है, स्पूल को बाहर करना है, तो और एक चीज़ का आप सावधानी रखेंगे, जो स्पूल जिसमें लगा है बूम का स्पूल बूम में और स्टिक का स्पूल स्टिक में ही आप फिटिंग करेंगे, तो इसलिए खोलते समय आपको सावधानी रखना है, सबको मार्का करके मार्का के हिसाब से अलग अलग सेपरेट रखते जाना है, जो कि एक दूसरे में कोई मिक्स ना हो ठीक। इस चीज़ का ध्यान देंगे क्योंकि इसका स्पूल सब अलग अलग है, बाकी सब मशीनों में एक ही जैसा एक ही बनावट का, और कोई सा स्पूल कहीं लगा दीजिए सब चल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये कैट 424B मशीन है, इसका स्पूल अलग, डिजाइन अलग है, सब सेपरेट। देखिए स्पूल को निकालेंगे, कुछ करना नहीं है, ऐसे स्पूल को खींच देना है, क्योंकि थोड़ा ऑयल गिरेगा ठीक। ये देखिए ऐसे करके ऐसे इसको निकाल देना है, और नीचे में देखिए एक बाल्टी रख रखे हैं, जो कि जो भी ऑयल आएगा वो बाल्टी में आके गिरे, ऐसे करके इसको एक एक करके
सभी स्पूल को बाहर कर देना है। ये देखिए एक अपने बाहर की, अभी दूसरा बाल्टी नु रखी छु स्पूल टा बाहर करू छे तो तेल पड़ू छे। देखिए दोस्तों इसको स्पूल रॉड बोलते हैं। ये कैट 424B मशीन का है और ये इसका कवर नीचे में ये लगा होता है और उधर देखिए इसका नट बोल्ट वगैरह है। सबको अभी वाश करके सबको फिटिंग करेंगे। फिटिंग कैसे करते हो आप देखते रहेंगे, मेरे साथ बने रहिए वीडियो पे। देखिए दोस्तों ये इसका स्पूल सील है और ये इसका वाइपर सील इसको बोलते हैं और ये स्पूल सील है। ठीक, इस टाइप का स्पूल सील इसके अंदर यूज होता है कैट 424B के अंदर। देखिए ये वाइपर सील है, ये पहले वाइपर सील को फिटिंग कर लेते हैं। वाइपर सील को फिटिंग करने के लिए देखिए ये भाग जो है ऐसे नीचे में रहेगा, यहाँ पे आके वो फिटिंग होता है इस जगह पे ऐसे, तो इसको ऐसे डालेंगे। ये फ्लैट भाग ऊपर में रहेगा, ये ग्रुप कटा हुआ नीचे रहेगा, तो पहले इसको ऐसे फिटिंग कर लेते हैं। छः स्पूल है, छः स्पूल के लिए छो में अलग अलग एक एक करके फिटिंग कर लेता हूँ। फिर उसके बाद स्पूल सील कैसे डालना है वो भी बताऊँगा। ये होने के बाद देखिए ये स्पूल सील है। ठीक, ये जो है ये पोजीशन ऐसे ऊपर, इसका लीप बोलते हैं स्पूल का, ये लीप है इनर जो है, लीप बोलते हैं। लीप हमेशा ऊपर की ओर रहेगा और ऐसे ये नीचे रहेगा। इसको भी ऐसे यहाँ पे अपने डाल लेते हैं इस जगह पे ला के इसको रोक देंगे। जब वहाँ ग्रुप में फिटिंग करें उसके बाद जो है इसको ऐसे पुश करके अंदर की ओर डालते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे और एक एक स्पूल में ऐसे सील डाल के दिखाऊंगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए पहले अपने सब में एक एक फिटिंग कर लेते, जब स्पूल डालेंगे फिर आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ऊपर का सील लगाने के लिए ये ओरिंग टाइप का सील है, ऊपर में ऐसे ओरिंग को बैठा देना है। छः है तो छः के लिए एक एक करके छो में ओरिंग बैठा देंगे। उसके बाद जो है ये उसका जो डस्ट कवर है, इसको डस्ट सील बोलते हैं, वाइपर सील। ठीक, उसके बाद ये वाइपर सील को ऐसे बैठाना है एक करके फुल सील। और उसका वाइपर सील लगाने के बाद ये प्लेट को इसके ऊपर रख देना है और इसका जो बोल्ट जो था लिंकी बोल्ट उसको ऐसे एक एक करके टाइट कर लेना है। तो जितना आपने खोले थे, जैसे खोले थे उसको ऐसे ही फिटिंग कर लेना है। ठीक, इसमें कोई ऐसा सावधानी नहीं रखना है, लेकिन हाँ एक चीज़ का सावधानी रखना है, जैसे बोल्ट को एलंकी बोल्ट को फुल टाइट नहीं करना है, थोड़ा हल्का छोड़ देना है। और स्पूल डालने के बाद ही इसको जो है ना फुल टाइट करेंगे। यदि पहले से ही फुल टाइट कर देंगे तो सील अंदर से फैल करके रहेगा और जब भी स्पूल डालेंगे तो सील कट जाएगा। तो पहले क्या है, अपने इसको ढीला रखेंगे और स्पूल को जो है ना पहले अंदर की ओर डालेंगे नीचे से। ठीक, अंदर डालने के बाद लास्ट फाइनली इसको जो है फुल टाइट करना है ये ऊपर वाले लिंकी को। देखिए दोस्तों स्पूल रॉड को डालने के लिए कुछ करना नहीं है, ये कैट 424B कैट मशीन है, ये इसका कंट्रोल वाल्व का स्पूल है। ये स्पूल को डालने के लिए देखिए पहले यहाँ पे ये सील लगा लिए और उससे पहले यहाँ पे अंदर में वाइपर सील उसको फिटिंग कर रखे हैं और इसको ऐसे डालना है अंदर में काफ़ी आराम से, कोई ठोक पीट करना नहीं है। और जैसे ही ये इस पोजीशन पे आएगा इस ग्रुप में तो ये सील को आराम से यहाँ बैठा देना है उंगली या पेचकस से सहायता से, इसको आराम से ऐसे बैठा देना है। ठीक, ये लगने के बाद और इसको आराम से ऐसे पुश कर देना है। ठीक, इसको ऐसे पुश कर देना और कुछ नहीं, और ये सील बैठ गया। ऐसे ही करके अपने एक एक करके सभी ये को फिटिंग कर लेना है। देखिए इसमें भी वैसे ही है, ये सील को अपने यहाँ पे रखे हैं। ठीक, और इसको यहाँ ऐसे डालेंगे,
ये उस पोजीशन में आने के बाद देखिए यहाँ अभी इस सील को यहाँ बैठा लेंगे, काफ़ी आराम से बैठाना होता है, सील टेपर ना हो, और फिर उसके बाद इसको ऐसे पुश कर देंगे। ये हो गया, ठीक, यही सिस्टम है। ऐसे एक एक करके छः छः को बैठा लेना है।